नमस्कार, स्वाद और सेहत का संगम करने वाली वेजिटेरियन रेसिपी चैनल ग्रीन किचन में आपका स्वागत है। ग्रीन किचन में आज हम बनाएंगे कटलेट। कटलेट हम सबकी फेवरेट होती है और इसे बनाना बिल्कुल इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं कटलेट। आगे देखने से पहले प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसके लिए हमें चाहिए 3 नंग मीडियम साइज के उबले हुए आलू और 6 नंग ब्रेड स्लाइस। तो पहले हम ये उबले हुए आलू को मैश कर लेंगे। अब हम ये ब्रेड को पानी में भिगो के उसे निचोड़ के ये मैश किए हुए आलू के साथ मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह। तो सभी ब्रेड को हमने इस तरह पानी में भिगो के निचोड़ के इसे भी मसल के आलू के साथ मिक्स कर ली है। 1/4 कप पोहा को 15 मिनट पहले भिगो दिए थे, अभी एकदम ड्राई हो गए हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो इसे भी कटलेट में मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच आदू लहसुन की पेस्ट, 1.5 चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट, 2 चम्मच तिल डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच गर्म मसाला डालेंगे। दो चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच चीनी डालेंगे, थोड़ा बारीक कटा धनिया डालेंगे और फाइनली हम 1 नींबू का रस डालेंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन ये चिकना हो जाए तब तक मिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ बस थोड़ा सा ही। तो ये लीजिए कटलेट का मसाला रेडी है। अब हम इसमें से कटलेट तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाथ को थोड़ा चिकना करेंगे। अब थोड़ा सा मसाला हाथ में लेंगे और इसका रोल करके इसे थोड़ा दबा देंगे। देखिए इस तरह। कटलेट्स को हम गोल शेप भी दे सकते हैं, ओवल शेप भी दे सकते हैं और कुकी कटर से मनचाहे शेप दे सकते हैं। तो हम इसे हार्ट शेप में कट करेंगे। तो इस तरह सभी कटलेट्स को हम तैयार कर लेंगे। अब ये कटलेट्स को हम फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए मीडियम आंच पर तेल गर्म करेंगे। तो ये देखिए तेल गर्म हो गया है। अब हम कटलेट फ्राई कर लेंगे। तो हम एक के बाद एक कटलेट डालते जाएंगे, धीरे से उसकी साइड चेंज करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए कटलेट गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई। अब हम इसे निकाल लेंगे।
तो ये लीजिए, हमारी कटलेट्स तैयार है। हम इसे मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं, खास करके हरी मिर्च और धनिया की चटनी और टमाटर की चटनी के साथ खाने से ये बहुत टेस्टी लगती है। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ सिर्फ ग्रीन किचन में।